दोस्तों कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एवेंजर्स दो टीम में बट जाते हैं, टीम कैप्टन और टीम आयरन मैन। ऐसे में जब टोनी नताशा से कहता है कि ऐसे वक्त में एकाधिक हल्क की मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, तो नताशा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी टीम में होता? तो टोनी कहता है नहीं, और वो इसलिए क्योंकि हल्क को किसी का ऑर्डर मानना पसंद। और वैसे भी टोनी की टीम गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थंडरबोल्ट रोस होता है, और हम सबको पता ही है कि रोस ने हल्क को कितना परेशान किया है, और ये बात टोनी और नताशा बखूबी जानते हैं, इसलिए हल्क कभी भी उनके टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। और इसके और भी कारण हो सकते हैं, और मुझे सबसे वैलिड रीजन यही लगा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, अगर थॉर सिविल वॉर में होता तो किसकी साइड होता, कैप्टन की या टोनी की? कमेंट करके बताना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।